ओशन में करंट्स होते हैं हमने एल नीनो करके अगर आपको लोगों को पता हो कि आ, हर पाँच साल में मेरे ख्याल से हाँ मतलब ये बड़े अपने पैसिफिक ओशन में अटलांटिक ओशन में हवाएं जो घूमती रहती हैं क्लाउड्स जिससे फॉर्म होते रहते हैं आ, ये करंट ही बदल जाएंगे आप सोचिए सिंपल सा इम्पैक्ट है इंडिया में बारिश कितने महीने होती है तीन चार महीने होती है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जून से सप्टेम्बर बारिशें होंगी अगर नहीं हुई तो जो हो रही है आजकल जो हो रही है नहीं हो तो आप करोगे क्या तीन साल इमेजिन कर लो आपको पानी नहीं आ रहा खेती नहीं हो रही खाना नहीं है अमीर तो चलो खा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा लगा लगा के बट वट इज़ हैपनिंग टू द पब्लिक एंड मैं तो उल्टा अमीरों को ये बोलना चाहूँगा जब भी ऐसा होता है ना जब बहुत लोगों के पास में कमी है एंड uh, सिर्फ जो अमीर हैं वो बहुत रिसोर्सेज लेके बैठे बैठे तब होता है आंदोलन तब आता है रेबिलियन सो hmm. so, समय अभी है अकल लगा लो अमीर हो गरीब हो हेल्प अपने अपने देश अपने प्लानट के लिए एक्ट अभी करना शुरू करें हम लोग सो so दैट हमें वो रेबिलियन के थ्रू जाना ना पड़े एंड uh, uh, इसको डिस्टोपियन व्यू बोलते हैं uh, जहाँ पे uh, सब कुछ खराब हो रखा और उसमें लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं एंड यूटोपियन ये है कि सब अच्छा होगा पर हम डिस्टोपिया की ओर चले जा रहे हैं हम वो क्रिएट कर रहे हैं और हमारे पास में होप है uh, अभी एंड uh, मैं क्योंकि दिन भर इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ थोड़ी सी टेंडेंसी हो जाती है Uh, एक ब्लिक uh, आउटलुक की बट uh, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आज हमारे हाथ में वो चांस है uh, कि हम ये चेंज रिवर्स कर पाए मैनकाइंड uh, कभी कम नहीं पड़ी है हमें हमें बहुत सारी दिक्कत है जब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी सिक्सटी सेवेंटीज़ में ये था कि भूखमरी आएगी तब हमारे साइंटिस्ट हमारे स्टोरी टेलर्स हमारे पॉलिटिशियन हमारी हमारी कंट्री सब सब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए ग्रीन रेवोल्यूशन आया वाइट रेवोल्यूशन आया अभी भी आएगा एंड इसीलिए मतलब ये भले इलेक्शन का साल है मुझे पता है जो भी अभी गवर्नमेंट्स खर्चा कर रही हैं गवर्नमेंट अब बोल रही है यार अब खर्चा करें ना वोट जीतेंगे